सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे समय पर ही ये परिणाम सामने आ रहे हैं। आज घोषित होंगे सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे, जिसका इंतजार 11 लाख से ज्यादा छात्रों को था। सीबीएसई की वेबसाइट पर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। cbse.nic.in पर स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख सकेंगे। 11,86,000 स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी। 12वीं का ये परिणाम घोषित होने जा रहा है। पेपर लीक हुआ था और उसके बाद संभावना ये जताई जा रही थी कि रिजल्ट देरी से घोषित होगा, लेकिन समय पर ही घोषित किया जा रहा है। सीबीएसई की वेबसाइट पर ये रिजल्ट घोषित होगा। cbse.nic.in पर स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख सकेंगे। करीब 11,86,000 स्टूडेंट ने इस बार 12वीं की परीक्षा दी है और इसको लेकर काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार भी था। छात्रों के मन में कहीं ना कहीं आगे की जो प्लानिंग होती है करियर को लेकर, वो सब कुछ इन्हीं नतीजों पर टिका रहता है और आज रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। cbse.nic.in पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकेंगे। 11,86,000 स्टूडेंट ने ये परीक्षा दी थी। पेपर लीक हुआ था इकोनॉमिक्स का और उसके बाद से लेकर ये संभावना थी, दोबारा पेपर भी कराया गया था 25 अप्रैल को, और उसके बाद कहा जा रहा था कि रिजल्ट में शायद देरी हो, लेकिन समय पर ये रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। तो 12वीं के नतीजे cbse.nic.in पर देख सकेंगे छात्र अपना। तो आज सीबीएसई के 12वीं क्लास का नतीजा सामने आ रहा है। सीबीएसई दफ्तर के बाहर से दिव्यांशु बल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, कब तक ये रिजल्ट सामने आने जा रहा है? विवेक, आपको बता दूं कि अभी हमारी कुछ देर पहले सीबीएसई प्रशासन से बातचीत हुई। उनका यही साफ तौर से कहना है कि कुछ ही देर में ये रिजल्ट आ सकता है। साथ ही ये भी उनका कहना है कि 12 बजे तक जो रिजल्ट है वो पूरा आ जाएगा। साथ ही जो है सुबह से ही यही कयास लगाए जा रहे थे कि 11 बजे के आसपास रिजल्ट आएगा, लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ही देर में ये रिजल्ट आएगा और जो छात्र हैं उनको अपना रिजल्ट मिल सकेगा। बिल्कुल, लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जो पेपर लीक हुआ था 25 अप्रैल को, दोबारा पेपर किया गया था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद इस बार जो परिणाम सामने आए उसमें देरी हो, लेकिन गनीमत रही कि समय पर ही ये परिणाम आ रहा है आज। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पेपर चल रहे थे उस वक्त कई विघ्न भी हैं जो देखने को मिले थे। आपको बता दूं कि जो 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर था वो लीक होने के बाद जो है ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि पेपर का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देरी से आएगा। साथ ही पंजाब में जिस तरीके से SC ST एक्ट में जो जितना भी हुआ उसके बाद पंजाब में जो पेपर थे वो काफ़ी पोस्टपोन कर दिए गए थे और यही आशंका जताई जा रही थी कि पेपर का रिजल्ट जो है वो कुछ देरी से आएगा, लेकिन आज सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट अपने समय पर आएगा और अब से कुछ देर बाद बच्चे अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बिल्कुल दिव्यांशु, क्या कुछ तैयारियां हैं इस रिजल्ट को देखने के लिए? किस किस माध्यम से स्टूडेंट्स अपना ये परिणाम देख सकेंगे? देखिए, जिस तरीके से सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.nic.in, उस पर अपना रिजल्ट जो है छात्र देख सकेंगे। साथ ही गूगल के साथ सीबीएसई ने अपनी पार्टनरशिप कर ली है और सीधा गूगल पे अगर आप सीबीएसई रिजल्ट डालते हैं तो वो सीधा पेज खोल देगा और उससे अपनी रिजल्ट छात्र देख सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन दिव्यांशु, चूंकि जब रिजल्ट इससे पहले भी आता है, हर साल आता है, लेकिन जो जिज्ञासा होती थी वो लगातार बढ़ती है और कहीं ना कहीं आज जो परिणाम आएगा उसके बाद स्टूडेंट अपने आगे के करियर के लिए जो रास्ता है उसको तय करने के लिए सोचेंगे और काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड रहता है कि जो परिणाम आता है उसके हिसाब से स्टूडेंट आगे का सफ़र तय करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रिजल्ट से पहले छात्रों के दिमाग में टेंशन रहती है कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, कितने नंबर उनके आएंगे, कहाँ उनका एडमिशन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 12th का रिजल्ट जो है पूरा बेस तैयार करता है कि आपका कहाँ एडमिशन होगा। और 12वीं का जब रिजल्ट आता है उससे पहले छात्र ख्वाब देखते हैं कि उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन होना चाहिए, और यही वजह है कि उनके दिमाग में टेंशन रहती है। साथ ही उनके जो पेरेंट्स रहते हैं उनके दिमाग में भी टेंशन रहती है कि उनका बच्चा कहाँ एडमिशन जो है वो ले
पाएगा और किस तरीके से आगे की उसकी ज़िंदगी है वो चलेगी। जाहिर सी बात है, जब CBSE ने रिज़ल्ट की बात कही कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बाद छात्रों के दिमाग में टेंशन है और जो है धड़कने जो है वो बढ़ चुकी हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने बच्चे पास होते हैं, किन किन बच्चों का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा और क्या कुछ इस बार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो पास होंगे। साथ ही इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या हर बार की तरह जो बेटियां हैं वो बेटों से आगे निकलेंगी या फिर नहीं, ये अब से कुछ देर बाद जो है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, 11,86,000 स्टूडेंट्स का ये परिणाम घोषित होने जा रहा है। CBSE बोर्ड के बाहर आप खड़े हुए हैं, ऑफिस के बाहर, वहाँ हलचल किस तरह की है? देखिए, फिलहाल यहाँ पर अभी हलचल बिल्कुल भी नहीं है। अब से कुछ ही देर बाद जो छात्र हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वेबसाइट के साथ साथ जो CBSE है वो अपने दफ्तर पर लिस्ट लगाएगी कि किन किन बच्चों ने टॉप किया है, किन किन बच्चों के नंबर आए हैं। फिलहाल हलचल अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे और अपना रिज़ल्ट देखने के लिए यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। दिव्यांशु, जब पेपर लीक हुआ था CBSE का, 12वीं का, इकोनॉमिक्स का, उसके बाद पेपर दोबारा किया गया, तो कहीं ना कहीं एक CBSE को लेकर लोग, छात्रों में काफ़ी नाराज़गी थी, वो नाराज़ थे कि पेपर दोबारा क्यों कराया जा रहा है। आज परिणाम सामने आ रहा है, तो क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से 12वीं के जो इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था उसके बाद छात्रों के दिमाग में ये टेंशन थी कि उनका जो पहले पेपर है वो अच्छा गया था, लेकिन दोबारा जब वो पेपर देंगे तो क्या उस हिसाब से वो पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, यही टेंशन जो है छात्रों को दोबारा सता रही थी। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है, छात्र पूरे साल जो है तैयारी कर रहे थे और यही दिमाग में था कि एक बार, कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि छात्र एक बार पेपर देते हैं पूरी लगन से देते हैं, लेकिन अगर दोबारा उनको पेपर देना पड़े तो वो उतनी मेहनत से या फिर उतने जोश से पेपर नहीं दिया जाता, तो यही लगातार छात्रों को टेंशन सता रही थी।